एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजाता किचन एंड लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ फ्रेंड्स। तो मैं लेकर आई हूँ मूंग वड़ा। तो मूंग वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मूंग, जो कि एक कप मूंग है जिसे ओवरनाइट मैंने सोक करके रखा था पानी में, और उसके बाद 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम लेंगे एक मिक्सी का जार और मूंग को हम पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे। और इसमें हम पीसने के लिए पानी ऐड नहीं करेंगे, बिना पानी के ही हमें इसका दरदरा पेस्ट बनाना है, जो कि बहुत ही आसानी से होता है क्योंकि हमारे जो मूंग है वो अच्छे से पानी में फूले हुए हैं। तो मैं यहाँ पर दो लहसुन की कलियाँ ऐड कर रही हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हम बाकी के भी मूंग को अच्छे से पीस लेंगे और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच मूंग हम बचा लेंगे। तो अभी मैं इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। तो अभी मैंने देखिए मूंग पीस लिया है, और 3 से 4 चम्मच जो हमने बचा कर रखा था मूंग को, वो हम साबुत ही ऐड कर देंगे इसमें, जो इसका बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस आता है जब हम इसके वड़े बनाएंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है चॉप किया हुआ, और ले रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ता से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो मैं इसे हाथों से ऐसे तोड़ तोड़ कर ऐड कर ले रही हूँ, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट आता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो मैं अभी ले रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्च, जितना आप तीखा खाते हो उसके हिसाब से। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर। और स्वाद के हिसाब से हम डाल देंगे इसमें नमक, तो आप जितना नमक खाते हो कम या ज़्यादा उसके हिसाब से आप डाल लें। और मैंने लिया है हाफ नींबू का यहाँ पे रस। लेमन जूस से इसका फ्लेवर जो है, जो मूंग में हल्का सा कड़वापन होता है वो निकल जाता है, और इसका जो फ्लेवर जो उभर कर आता है वो काफ़ी डिलीशियस होता है। तो अभी हमें क्या करना है, जितनी भी इसमें चीज़ें ऐड की हैं सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से रेसिपी बनाकर देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी लगता है और थोड़ा हेल्दी फाइबर वाला खाना अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं कम ऑयल में, तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एक ब्रेड। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ ले रही हूँ ब्रेड, जो कि जो इसमें दाल में जो हमारे नमी होता है वो ब्रेड सोख लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेड ले रही हूँ, और ब्रेड से बाइंडिंग भी हो जाएगी और अच्छे से बन भी जाएगा। तो अभी देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है, अभी हम बना देंगे इसके वड़े। तो इस तरह से हमें वड़े बना लेने, थोड़े थोड़े से पीस लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से वड़े का शेप दे देंगे। तो मैंने इस तरह से शेप दिया है। आप चाहें तो लंबे वाले कटलेट्स के रूप भी इसे दे सकते हैं। तो ये इजी स्नैक्स है फ्रेंड्स, जो कि बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो मैंने देखिए इस तरह से बनाकर रख लिया है वड़े को। अभी हमने यहाँ पर लिया है रिफाइंड ऑयल, और मैं इसे यहाँ पर सेलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो मैंने लिया है यहाँ पे थोड़ा तेल, और हम इस तरह से वड़ों को इसमें फ्राई कर लेंगे, सेलो फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही डिलीशियस सी बनकर रेडी होती है फ्रेंड्स, और हम इसे उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे अच्छे से। तो सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स पर, और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो देखिए बातों बातों में हमारा जो है ये बड़ा बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो हम इसी तरह से बाकी के वड़ों को भी हम अच्छे से तल लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं।
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और मेरे चैनल का नोटिफिकेशन बेल भी जो है वो ऑन कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस, ब्लॉग कंटेंट मैं इस तरह के अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो देखिए, बड़ों को मैं प्लेट कर रही हूँ, तो इस तरह से मैंने प्लेटिंग की है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं इसे सर्व कर रही हूँ कॉन्टिनेंटल सॉस के साथ, जिसे मैंने पुदीने लगाकर थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। तो हमारा जो हेल्दी सा वड़ा है वो आप सांभर के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, स्नैक्स में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी सा स्नैक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, एक नई रेसिपी, एक नए ब्लॉग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।